हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपको पता ही है स्लोवेनिया एक ऐसा कंट्री है जो कि शेंगेन स्टेट भी है, साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। इसके अलावा आपको पता है कि स्लोवेनिया का TRC जो है हमें भारत के अंदर ही मिल जाता है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये स्लोवेनिया को काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बना देते हैं। डेजिग्नेशंस दो हैं लेकिन वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या क्या पोजीशंस हैं समझ लें आप। सबसे पहले तो हमें कॉन्टी या आप कह लें इनको मेडिटेरेनियन कुक्स हमें चाहिए। अगर आपके पास एक साल का भी एक्सपीरियंस है, आप COMI 3 हैं, COMI 2 हैं, COMI 1 हैं, राइट, इमिडिएटली अप्लाई करें। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। अगर आप इस ब्लॉक को इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज एंड यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम देयर, यस इट इज पॉसिबल, राइट, बट यू आर सपोज टू कॉल अस एज पर इंडियन टाइमिंग्स। नाउ कितना क्वांटिटी है दोस्तों, हमें 30 कुक्स चाहिए, राइट। कुक्स के अलावा जो है हमें, फ्रेंड्स, कुक्स के अलावा जो है हमें मेंटेनेंस टेक्नीशियंस चाहिए, राइट। मेंटेनेंस टेक्नीशियंस ने कुछ मशीन्स को मेंटेन करना होगा, बेसिकली जो वेजिटेबल प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मशीन्स हैं, राइट। नाउ अब इनका JD जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लें, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको अभी तक क्या समझ आया कि स्लोवेनिया का ओपनिंग है, 2+ ईयर्स का जो है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, एक्सटेंडेबल होता है, आपको पता है शेंगेन का किसी भी कंट्री का वीज़ा, राइट। सैलरी 850+100 यूरो फॉर फूड प्लस अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया जा रहा है, राइट। सो ये इनिशियली आपको मिलेगा, नेचुरली फिर आपके काम को देखकर सैलरीज, आपको पता है जो कुक्स होते हैं दोस्तों वो 1200, 1400, 1600 यूरोस तक जो है इजिली अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे प्लेटफॉर्म पर नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि कॉन्ट्रामेंटर जो है गवर्नमेंट ऑथराइज ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, राइट, और हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ जो है वर्ल्ड वाइड ओपनिंग्स, डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट डेजिग्नेशन को शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।